गुड इवनिंग, मैं धर्मेंद्र कुमार रा और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जितने भी मेजर एक्ट हैं उनका मैं रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन थोड़ा तेज होगा, रिवीजन तो रिवीजन की तरह ही होगा, तो उसको मैं रिवीजन कराऊंगा। और आज जो हम लोग जिस सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस का रिवीजन आज से शुरू होगा। और इसके लिए 3 अथवा 4 क्लास मैं लूंगा, छोटी छोटी ही क्लास होगी, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा तेज तो रहेगा ही, क्योंकि पूरा एविडेंस खत्म करना 2 घंटे में आसान नहीं है, तो इसलिए आपको भी थोड़ा सहयोग करना होगा उसमें। चीजें जल्दी जल्दी जो होंगी उसको समझना होगा, अगर पॉसिबल हो तो आप उसको नोट करिए, नहीं तो प्रवचन की तरह सिर्फ आप सुनिए और पूरा एविडेंस आप रिवाइज कर जाएंगे। 2-3-4 सेट जो होंगे इसका रिवीजन करने का, उसमें पूरा एविडेंस आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं और रिवीजन की क्लास शुरू करते हैं। तो रंजना गुड इवनिंग, सुलेखा गुड इवनिंग, नेहा और प्रीति गुड इवनिंग। ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसके माध्यम से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। आप इस बात कुछ जानते भी होंगे। हाँ, सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं कराई जाती, बल्कि प्रिपरेशन करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो तरीका अपनाया जाता है। आपको यहाँ पे सब कुछ कराया जाता है, आपको मेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके जो एजुकेटर होंगे आपको गाइडेंस प्रदान करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी उस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, आपकी परीक्षा के लिए, आपके करियर के लिए जरूरी है। उसके अलावा अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 2 तरीके की क्लासेस होती हैं। एक क्लास जो होती है वो स्पेशल क्लास होती है, और एक क्लास जो होती है वो प्लस क्लासेस होती है। तो स्पेशल और प्लस 2 तरीके की क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लास वो क्लास होती है जिसके लिए बिना किसी सब्सक्रिप्शन के सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस क्लास का फ्री में आनंद उठाया जा सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन प्लस क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो सिर्फ वही स्टूडेंट कर पाते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उन्हें ये प्लस क्लासेस नहीं उपलब्ध हो पाती। प्लस क्लासेस का लाभ क्या है? प्लस क्लासेस का लाभ ये है कि ये जो नए नए बैच शुरू होते रहते हैं, नए नए परीक्षाओं को, नए नए स्टेट के जुडिशियरी के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए, उस बैच का लाभ आप नहीं ले पाते हैं अगर जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस का सारा लाभ आप ले पाते हैं फ्री में। बात करते हैं कि अच्छा एक चीज और है कि जो ये जो फ्री में टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है किसके लिए? वो RJS यानी राजस्थान जुडिशियल सर्विस, HJS यानी हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए। और इसकी डेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डेट को ये टेस्ट होगा और कौन से समय पर ये होगा। तो आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है, किसी भी प्रकार के फीस या सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो संगीता गुड इवनिंग, नरेंद्र शर्मा गुड इवनिंग, आनंद प्रणाम, स्तुति नमस्ते, फौजिया गुड इवनिंग, बिल्कुल अच्छे हैं, प्रणाम न प्रसिद्ध। तो ये जो है एक चीज और है, रैपिड रिवीजन सीरीज यहां भी चल रही है राजस्थान के पर्पज के लिए और हरियाणा के पर्पज के लिए, और ये 18 तारीख से ही शुरू है। इसको आप YouTube पर नहीं बल्कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं, तो इसका भी लाभ आप उठाइए। T20 मार्क टेस्ट भी हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। T20 मार्क टेस्ट होता है मंडे से लेकर थर्सडे तक पर डे है, सुबह 9 से 9:30 बजे टाइमिंग है इसकी। IPC, CRPC, CPC और एविडेंस से होते हैं ये क्वेश्चन, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए और उसका लाभ उठाइए। इसके लिए भी किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बैच के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सामने ये ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं और उसके नीचे हुए फीस स्ट्रक्चर जो है उसको आप अपना सकते हैं। इतना भी एक और फैसिलिटी है कि चाहे आप कोई भी प्लान लेंगे आपको इंस्टॉलमेंट में भी फीस पेमेंट करने की सुविधा है, तो ये भी एक लाभ लिया जा सकता है। उसके अलावा एक ऑप्शन और भी है आपके पास,
कि अगर आप इस कोड का प्रयोग करें सब्सक्रिप्शन लेने में, जैसा कि सब्सक्रिप्शन आप लेने की का प्रयास करेंगे तो वहां पूछेगा आपसे कि आपके पास कोई रेफरल कोड है क्या। तो अगर आप इस कोड का प्रयोग करेंगे राय लाइव RAILIVE, तो आपको फीस जितनी भी होगी उसमें से 10% डिस्काउंट उससे भी हो जाएगा। तो ऐसे भी फीस बहुत ज्यादा नहीं है और उसमें भी 10% का डिस्काउंट इस कोड का प्रयोग करने से हो जाएगा। अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है आप जानते हैं, और जिस पर हम लोगों का लेक्चर पर डे शाम को 6:30 बजे से रहता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है, संडे और सैटरडे को क्लास नहीं होती। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल को UA Judiciary धर्मेंद्र इस तरीके से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उस पर भी बहुत सारी जानकारी की बहुत सारे चीजें आपको उपलब्ध होती रहती हैं, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। और आज जैसा कि मैंने बताया था कि एविडेंस एक्ट से शुरुआत होगी इसकी, और अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें, देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, कुछ मटेरियल आपको दिखाई दे रहा हो, इसको लेके आप बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की को डिस्कस करूंगा इसमें। जल्दी जल्दी रिवीजन होगा चीजें जो जरूरी हैं आपके लिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज देखिए, या तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, चाहें तो आप नोट ना भी करें, अगले 20 मिनट तक आप सिर्फ सुनिए और ध्यान से सुनिए। ज्यादा देर तक आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको जितनी चीजें पता है वो रिकॉल होती रहेंगी, और जो चीजें हो सकता है ना पता हो उसका रिवीजन होता रहेगा, और यही पर्पज है आज की क्लास का। देखिए सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट 3 पार्ट में 167 सेक्शन और चैप्टर जो है 11, मतलब 11 चैप्टर हैं और 3 पार्ट हैं और 167 सेक्शन है, तो ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद इसमें एक चीज और याद रखिए कि 1 सितंबर 1872 को, इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट जैसा कि आपको पता ही होगा कि जिस दिन इसे लागू किया गया था। ये किस प्रकार की ला है, तो प्रोसीजरल ला है, क्योंकि अक्सर ये पूछता भी है कि ये सब्सटेंटिव ला है कि किस प्रकार की ला है। तो देखिए दो तरीके के क्वेश्चन यहां आते हैं, एक तो ये हो सकता है कि प्रोसीजरल ला पूछे, और मतलब प्रोसीजरल ला है कि एडजेक्टिव ला है, कि प्रोसीजरल और एडजेक्टिव ला है। तो अगर ऑप्शन में आपके हो, अगर आपके ऑप्शन में हो कि ये प्रोसीजरल है तब तो प्रोसीजरल लगा दीजिए, अगर आपके ऑप्शन में एडजेक्टिव भी हो तो आप एडजेक्टिव और प्रोसीजरल दोनों लगाइएगा, और अगर दोनों लगाने का ऑप्शन न हो तो आप एडजेक्टिव ला लगाइएगा, अगर एडजेक्टिव ला है उसमें ऑप्शन में तब। ठीक है, आगे बढ़ते इसका एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई भी जब एक्ट पढ़ते हैं आप, कोई भी जब एक्ट पढ़ते हैं तो उसके प्रियम्बल में उसकी उद्देशिका कोई ना कोई होती है, तो उस प्रियम्बल में उस एक्ट का ऑब्जेक्ट बताया जाता है। हाँ, रैपिड रिवीजन ही है, पढ़ान अपूर्वा प्रीति पढ़ान। तो ये जो है कि ये क्या हम बोल रहे थे, हाँ, उसकी प्रियम्बल जो होती है, प्रियम्बल ये बताती है कि एक एक्ट करता क्या है, और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक्ट में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे कंसोलिडेट करना, डिफाइन करना और अमेंड करना। यहां पे आप देखेंगे कंसोलिडेट करना भी है, डिफाइन करना भी है और अमेंड करना भी है। हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जनरली क्या होता है, डिफाइन करना और अमेंड करना,
लेकिन यहां पे कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड करना तीनों है, तो प्री के लिहाज से इसको याद रखिएगा। जेम्स स्टीफन ने इसका इसको ड्राफ्ट किया था, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था। देखिए बच्चों, आज आप लोगों के कमेंट में ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि कमेंट नहीं देख पाए, क्योंकि हमारा ध्यान अगर इस पर है तो कमेंट नहीं देख पाएंगे। तो हाँ, एक चीज और, जैसा कि अंकित पूछ रहे हैं उसका मैं आंसर दे दूं। हाँ, ये एक क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर भी ये इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है? तो नहीं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है, है ना? एफिडेविट पर ये एक्ट लागू होता है? तो नहीं, शपथ पत्रों यानी एफिडेविट पर भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। हिंदी से मत डरिएगा, जितनी जरूरत होगी उतनी चीजें मैं बोल दूंगा अंग्रेजी में, रिवीजन ही चल रहा है। तो हाँ, ये होता है ना कि एक्ट नंबर क्या है, कभी कभी पूछ देता है, जनरली तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ देता है कि एक्ट नंबर क्या है। तो एक्ट नंबर वन ऑफ 1872 यानी 1872 का एक्ट नंबर एक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना आईपीसी का कि एक्ट नंबर 45 आप पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़ा होगा, तो इसी तरीके से एक एक्ट नंबर होता है। तो एविडेंस का अगर एक्ट नंबर पूछे तो ये एक्ट नंबर एक है। जनरली जुडिशियरी के परीक्षाओं में ये एक्ट नंबर नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप टारगेट एपीओ को कर रहे हैं और जहां की सीट कम है और फाइटर ज्यादा है, तब आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये एक लेक्स फोरी है, लेक्स फोरीला। अब ये लेक्स फोरीला क्या होती है? लेक्स फोरीला का मतलब ये होता है कि वो वहां किला है जहां की कार्यवाही की जा रही है, यानी कि प्रोसीडिंग जहां इंस्टीट्यूट की जा रही है वहां जो लॉ होगी वही लागू की जाएगी, इसीलिए इसको लेक्स फोराई या लेक्स फोरीला कहते हैं। तो ये भी एक प्री में पूछता है कि लेक्स फोरीला किसको कहते हैं, अच्छा ये किस प्रकार की लॉ है, तो लेक्स फोरी। फैक्ट वगैरह तो आप लोगों को क्लियर ही होंगे, तो फैक्ट में हम नहीं घुसते हैं। एक स्टेटमेंट ये पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट ये पूछा जाता है कि साक्षी झूठ बोल सकता है परंतु परिस्थितियां नहीं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के संबंध में अक्सर आता है कि साक्षी झूठ बोल सकता है परिस्थितियां नहीं, मतलब ये कि विटनेस कैन लाई बट सर्कमस्टांसेस कैन नॉट, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये पाबी का, यहां पे भी लिखा है, पाबी का कथन है। तो ये पाबी का कथन है कि विटनेस मे लाई बट सर्कमस्टांसेस कैन नॉट। हाँ, मैं जहां जरूरत होगी उसकी चर्चा करूंगा नेहा, ठीक है? हाँ, जहां जरूरत होगी उसकी चर्चा मैं करूंगा, इधर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक चीज और यहां पे समझिएगा आप लोग, मैं पेन की मोटाई थोड़ी सी कम कर देता हूं। ठीक है, देखिए प्रिजम्पशन आपने पढ़ी होगी, प्रिजम्पशन इसको कहते हैं उपधारणा, और प्रिजम्पशन के बारे में प्रोविजन कहां है? तो सेक्शन नंबर 4 में। अब आप उसमें जब आप पढ़ेंगे तो दो प्रकार के प्रिजम्पशन पढ़ेंगे, एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और एक पढ़ेंगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है मे प्रिज्यूम, जहां कहीं भी मे प्रिज्यूम प्रयोग किया गया है इसका मतलब है कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट।
और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होने का मतलब है कि यह ऑलवेज रेबुटेबल होता है, ऑलवेज रेबुटेबल होता है। अब यह रेबुटेबल होने का क्या मतलब है? ऑलवेज रेबुटेबल होने का मतलब एविडेंस देके इसका हमेशा खंडन किया जा सकता है। और दूसरी बात यह होती है कि मे प्रिज्यूम, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि प्रिजम्पशन करने के लिए कोर्ट बाउंड नहीं होती, मन करेगा तो वो बाउंड होगी, मतलब मन करेगा तो प्रिजम्पशन करेगी, नहीं मन होगा तो प्रिजम्पशन नहीं करेगी। ये अपने डिस्क्रिशन के प्रयोग करते हुए प्रिजम्पशन करेगी या चाहे नहीं करेगी, और इस प्रकार की प्रिजम्पशन को प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, यानी तथ्य की उपधारणा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब मे प्रिज्यूम जहां भी प्रयोग किया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा रेबुटेबल होती है, उसका हमेशा खंडन किया जा सकता है, और कोर्ट ऐसे प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड नहीं होती। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के संबंध में आप सेक्शन की अगर बात करें तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के संबंध में जो सेक्शन है वो सेक्शन आपको सेक्शन 86 मिलेगा, 87 मिलेगा, 88 मिलेगा, 90 मिलेगा, 90A मिलेगा, है ना, फिर उसके बाद 113A मिलेगा, 114 मिलेगा। तो ये सब मे प्रिज्यूम है, यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट से संबंधित है। ऐसे मामलों में कोर्ट प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड नहीं होती है, मन करेगा तो प्रिजम्पशन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रेबुटेबल और एक नॉट रेबुटेबल। रेबुटेबल और एक नॉट रेबुटेबल। रेबुटेबल का मतलब समझ रहे हैं खंडनी, और दूसरा नॉन रेबुटेबल का मतलब अखंडनी, यानी जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो रेबुटेबल प्रिजम्पशन को ही सेल प्रिज्यूम के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेल प्रिज्यूम के रूप में रेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ही होती है, और नॉन रेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है, इसी को हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ कहते, कंक्लूसिव प्रूफ, क्लियर। और कंक्लूसिव प्रूफ बहुत ज्यादा जगह नहीं है, ये सिर्फ 41, 112 और 113 में ही है, बस तीन सेक्शन हैं। कहीं कहीं कोई गाइड आप उठाते होंगे तो स्टोपेल को भी कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में दिखाता है, नहीं वो कैसी प्रिजम्पशन वगैरह नहीं है वो। हाँ, आपको अगर मेंस में लिखना है तो लिख दीजिए, उसमें कोई गलती भी नहीं है, लेकिन अगर प्री में पूछा जाए आपसे तो कंक्लूसिव प्रूफ सिर्फ इन्हीं धाराओं की बात करें। एक जब आप पढ़ते होंगे ना तो उसमें लिखा रहता होगा 82, सेक्शन नंबर 82। तो सेक्शन नंबर 82 जो आईपीसी की है, ये भी एक कंक्लूसिव प्रूफ ही माना जाता है, फिर भी एविडेंस का सेक्शन नहीं है। इसलिए अगर आपके सामने आए तो अपने विवेक का प्रयोग करिएगा कि एविडेंस के कौन से सेक्शन में ऐसी बात है कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसमें 82 मत लिख दीजिए। एविडेंस के कौन से सेक्शन में है तो वो उसमें 82 मत मरिएगा, क्योंकि 82 एविडेंस का सेक्शन की बात नहीं है, ये आईपीसी के सेक्शन की बात है कि जो 7 साल से नीचे का बच्चा होगा वो अपराध करने में अक्षम होगा। तो ये हो गया। और ये रेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ की प्रिजम्पशन जो है रेबुटेबल कहां है, 79 से शुरुआत होती है इसकी और 85C तक ये जाएगा, 79 से 85C तक। इसी तरीके से ये 108 हो, चाहे 107 हो, चाहे 113B हो, चाहे 114A हो, ये सारे सेक्शन जो है ना वो ये कहते हैं कि ये रेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो रेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब ये कि कोर्ट ऐसे प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड होता है, लेकिन आप ऐसे प्रिजम्पशन के आधार पर अरे ऐसे प्रिजम्पशन को रेबुट करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो कोर्ट करने के लिए बाउंड तो होगा ही, लेकिन आप उसका रेबुटेशन नहीं कर सकते, उसका खंडन नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर 5 ये बेस है, समझ लीजिए, पूरे एविडेंस एक्ट का। और सेक्शन नंबर 5 ये कहता है
कि केवल फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जा सकता है, किसी अदर फैक्ट का नहीं। ठीक है, फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जा सकता है और किसी अन्य फैक्ट का नहीं दिया जा सकता। तो फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जा सकता है, अदर फैक्ट का नहीं दिया जा सकता। सेक्शन फाइव, सेक्शन सिक्स जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन सिक्स में क्या है, रेस जेस्टे। क्या रेस जेस्टे का रूल सेक्शन नंबर सिक्स में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है? रेस जेस्टे शब्द क्या सेक्शन नंबर सिक्स में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है? तो इसका जवाब होगा नहीं, नहीं एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं। यहां पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की बात की गई है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की बात की गई, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले। तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की यहां बात की गई, और आप समझते हैं कि अगर कोई फैक्ट एक ही पार्ट के सेम ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आते हैं तो वो रिलेवेंट होते हैं। सेक्शन सिक्स के प्रोविजन में एक तो ये पूछता है रेस जेस्टे, और दूसरी बात ये है कि एक आठ एग्जाम्पल उसमें से पूछ दे, और उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी घटना के समय, कोई अपराध होते समय या अपराध होने के तत्काल पूर्व या तत्काल पश्चात अगर कोई बात कही जाती है, कोई कार्य किया जाता है, तो वो एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते सेक्शन सिक्स के मेरू में रिलेवेंट होता है। इसमें केस जब आप पढ़ेंगे तो आर वर्सेस फोस्टर की केस होगी, आर वर्सेस फोस्टर की केस, रटन वर्सेस रेजीना की केस, ठीक है ना, रटन वर्सेस रेजीना की केस। उसके अलावा इसमें केस होगी आर वर्सेस क्रिस्टी की केस, आर वर्सेस वेडिंग फिल्स की केस, आर वर्सेस वेडिंग फील्ड की केस, सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस। तो ये सारी केस जो हैं आपको यहां पे याद रखना है, और प्री में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये केस किस सेक्शन पर बेस्ड है, आर वर्सेस फोस्टर हो, चाहे रटन वर्सेस रेजीना हो, आर वर्सेस क्रिस्टी हो, आर वर्सेस वेडिंग फील्ड हो, सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो, है ना, और भी बहुत सारी केसेस हैं। आर वर्सेस मलकानी की भी केस कभी कभी पूछ देता है, तो आर वर्सेस मलकानी की केस इसलिए नहीं पूछता है किस सेक्शन पर है, किस बात से रिलेटेड है, तो वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित है। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित वो पूछ देता है, हालांकि है वो सेक्शन सिक्स पर भी। तो सेक्शन सिक्स हो गया। सेक्शन सेवन आप लोग जानते ही हैं कि क्या है, सेक्शन सेवन ओकेजन काज इफेक्ट। हाँ, ओकेजन काज इफेक्ट जो है सेक्शन नंबर सेवन में है, प्रसंग हेतु परिणाम। अब उसमें वो एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पर्सन जो है वो मेले में जाता है और ये दिखा के जाता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और उसको लूट लिया जाता है। अब उसमें ये एग्जांपल एक ठो है, उसके अलावा एक जो है कि एक जगह लड़ाई हुई थी, और लड़ाई होने के बाद जो है वहां पे जो निशान बने हुए थे वो रिलेवेंट होता है। और उसके अलावा उसमें एक एग्जाम्पल और होगा जो आप लोगों के लिए जरूरी है, वो एग्जाम्पल है कि उसकी आदतों के बारे में जानना कि उसे विष देने का अवसर मिला। तो ये साथ में तीन एग्जाम्पल है, उसको याद रखिएगा। सेक्शन नंबर एट देख लीजिए, सेक्शन नंबर एट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज के लिए। और ये एट क्या कहता है कि एट मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट, ये तीन चीजों को रिलेवेंट बताता है सेक्शन एट, मोटिव प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव रिलेवेंट होता है सेक्शन एट के अंतर्गत, वैसे मोटिव का क्रिमिनल लॉ में बहुत महत्व नहीं होता। प्रिपरेशन
आप जानते ही क्या है, वो रिलेवेंट होता है। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होता है कंडक्ट में, कि कंडक्ट रिलेवेंट होगा कि नहीं और कब होगा कंडक्ट। तो कंडक्ट की रिलेवेंसी के संबंध में ये नियम है कि जैसे मैं आपसे पूछूं, ये कंडक्ट जो है प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। आप जानते ही किसका कंडक्ट रिलेवेंट होगा, तो पार्टी का कंडक्ट होगा रिलेवेंट, उसके एजेंट का कंडक्ट रिलेवेंट होगा। ठीक है, और उसका प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और इसमें और क्या बताऊं, हाँ कंडक्ट को मेन समस्या यहां कंडक्ट से आती है। और कंडक्ट में ये पूछ देता है कि क्या स्टेटमेंट स्टेटमेंट कंडक्ट के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते। तो एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट ये बात कहता है कि स्टेटमेंट कंडक्ट के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन स्टेटमेंट कंडक्ट के अंतर्गत तब आ जाते हैं जब वो कंडक्ट के साथ साथ हों और उन्हें स्पष्ट करने वाले, कंडक्ट के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले, तो वो स्टेटमेंट भी कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट हो जाता है। जैसे जैसे ये है कि एक व्यक्ति भागता हुआ जा रहा है और वो चिल्ला रहा है कि देखिए मेरा पीछा फला व्यक्ति कर रहा है, चाहे मुझे ये फला व्यक्ति मार रहा है, चाहे मुझे ये इसने चोट पहुंचा दी है। तो ये जो है स्टेटमेंट है कि मुझे फला व्यक्ति चोट पहुंचा रहा है, लेकिन उसके भागने के कंडक्ट के साथ साथ होने के नाते और उस भागने को स्पष्ट करने के नाते, ये एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट में उसका स्टेटमेंट भी कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अगर चुपचाप वो भागता तो आप क्या अंदाजा लगाते कि क्यों भाग रहा है? हो सकता है कि बहुत जरूरी काम हो इसलिए जा रहा, लेकिन उसका चिल्लाना उसके भागने को स्पष्ट करता है, इसलिए वो रिलेवेंट हो जाता है स्टेटमेंट भी कंडक्ट के रूप में। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जब किसी पर्सन का कंडक्ट रिलेवेंट, मान लीजिए ए का कंडक्ट रिलेवेंट, और ऐसी कोई बात कही जाती है जिससे इसका कंडक्ट प्रभावित होता है, किसी व्यक्ति का कंडक्ट रिलेवेंट है और कोई स्टेटमेंट जो उस व्यक्ति के कंडक्ट को प्रभावित करता है, वो स्टेटमेंट जो होता है वो भी कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट होता है। नहीं, इस बात समझ में आई होगी। पहले तो ये है कि कुछ लोगों के ही कंडक्ट रिलेवेंट होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जिसका कंडक्ट रिलेवेंट है उसके कंडक्ट को इफेक्ट करने वाले स्टेटमेंट भी रिलेवेंट होंगे, उसके कंडक्ट को प्रभावित करने वाले स्टेटमेंट भी रिलेवेंट होंगे। जैसे मान लीजिए ए के बारे में बी ये कहता है सी के सामने कि सी ने जो है हमारा पैसा 10,000 ले लिया है और आज तक इसने नहीं दिया, तो आप भी इसको उधार मत देना। अब ये बात सुन के सी क्या करता है? चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि सी का कंडक्ट रिलेवेंट है और सी ये बात सुन के चला जाता है। अब इस पे ये जो स्टेटमेंट है उसके कंडक्ट को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कंडक्ट के रूप में सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो जाता है। तो जब किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है तो उस अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया जाता है जो उसके कंडक्ट को प्रभावित करता है, तो स्टेटमेंट भी कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट हो जाता है। और ये दो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 8 के हैं, वो डिस्प्यूटेड हैं और आते हैं अक्सर। दूसरी बात, कई बार एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि जैसे एक महिला है, आप इसका आंसर दीजिएगा, एक महिला है उसके साथ रेप हुआ है, उसने कंप्लेंट किए बिना, उसने कंप्लेंट किए बिना अपनी माता से यह बात कही रेप होने के बाद कि उसके साथ रेप हो गया। यह सेक्शन 8 के अंतर्गत कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा कि उसने अपने माता से यह बात बताई थी? ये कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट होगा कि नहीं हो? सेक्शन 8 के अंतर्गत
नहीं होगा। आप उसमें लास्ट में एग्जाम्पल देखिएगा, वो एग्जाम्पल में बताया गया है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे वो कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा, वो कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन अन्य धाराओं में रिलेवेंट हो सकता है, जैसे सेक्शन नंबर 157 के अंतर्गत रिलेवेंट हो सकता है, उसकी डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो सेक्शन 32 के अंतर्गत रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन वो कंडक्ट के रूप में उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल एक और रॉबरी से संबंधित होगा, सेम फैक्ट होंगे कि लूट हो जाने के बाद उसने अपने दोस्त से बताया कि मेरे साथ मुझे लूट लिया गया, कंप्लेंट किए बिना, तो ऐसी स्थिति में वो कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा, ये भी 32 157 के अंतर्गत रिलेवेंट होगा लेकिन कंडक्ट के रूप में रिलेवेंस नहीं। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो ये रहा 9 में, अरे 8 में की बात। और देखिए इतनी तेज समय निकल रहा है कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि तेज, और मुझे खुद को भी लग रहा है कि मैं तेज बता रहा हूं, लेकिन फिर भी हम लोगों का समय खत्म हो गया। चलिए सेक्शन नंबर 9 में क्या देखना है हम लोगों को, सेक्शन नंबर 9 का वो चीज आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट होते हैं, कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट होते हैं और किस रूप में रिलेवेंट होते हैं। जैसे है ना, उसमें आपने देखा होगा कि स्पष्ट करने वाले फैक्ट जो हैं, किसी चीज की पहचान बताने वाले फैक्ट हैं, किसी स्थान के बारे में फैक्ट हैं, कोई संबंध बताने वाले फैक्ट हैं, तो ये सारी चीजें इसमें रिलेवेंट होती हैं सेक्शन 9 के अंतर्गत। और उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, ये याद रखना कि आइडेंटिफिकेशन परेड किस धारा के अंतर्गत होती है, शिनाख्त परेड जिसको कहते हैं, शिनाख्त परेड किस धारा के अंतर्गत होती है, तो सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत होती है, एविडेंस एक्ट। हाँ बेटा रोज लेंगे, अब रोज लेंगे, 3-4 दिन में कोशिश करेंगे कि एविडेंस आपका खत्म करें। तो शिनाख्त परेड जो है वो सेक्शन 9 में है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये आइडेंटिफिकेशन परेड कौन कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन परेड कौन कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, पुलिस भी कर सकता है और मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, प्राइवेट पर्सन पुलिस और मजिस्ट्रेट कोई भी आइडेंटिफिकेशन परेड कर सकता है कि सी का मर्डर हुआ और बी के पास खड़ा था तब बी कहता है कि जैसे सी का मर्डर। हाँ बेटा वही एग्जांपल ही है, सुलेखा, ठीक है ना, तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बात करता है। और सेक्शन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 10 वही है कि कोई भी कॉन्स्पिरेटर द्वारा कोई भी बात अगर कही गई है, की गई है, लिखी गई है, उसके दिमाग में ये बात, उस अपराध को करने के बारे में जो दिमाग में आई बात, उसके बाद उसने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, वो सेक्शन 10 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा। और इसमें आर वर्सेस ब्लैक की केस जो है वो पूछी जाती है आपसे, आर वर्सेस ब्लैक की केस किससे रिलेटेड है, तो इसी से रिलेटेड है, ये सेक्शन 10 से रिलेटेड है। चलिए हम लोगों का समय खत्म हो गया, चूंकि आज पहला दिन था इसलिए आप लोगों को भी थोड़ी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई होगी। कल मिलते हैं और ज़्यादा सिस्टमेटिक सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे और 4 क्लास कोशिश करेंगे कि हम लें और एविडेंस को ख़त्म करें। तो आप रिवाइज करते रहें, कोशिश हम भी करेंगे, जितना हमारे पास समय होगा उतनी ही मदद कर पाएंगे हम आप लोगों की, लेकिन करेंगे। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का इतनी देर तक बने रहने के लिए। हाँ बेटा 30 मिनट ही रहेगा उसमें, है ना। हाँ सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस तीनों में कराऊंगा। नमस्ते नमस्ते। मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, अब 1 घंटा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं बढ़ा दूंगा, ये क्लास में बढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, ये क्लास में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 45 मिनट का कर देता हूँ, कल मैं 45 मिनट कर लूंगा। पैंतालीस मिनट कर लेता हूं मैं इसको, तो मैं जाऊंगा,
इजाजत है आप लोगों की। बाय बाय।